चांकी भाभी, चांकी भाभी, मैंने गुड़िया का ना फ्रेंडशिप बैंड पे दिया था आइटम, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। नितिन खजी जी। हाँ शिखर। वही बैंड है जो हर्ष भाई ने जानकी भाभी को दिया था। जानकी भाभी ने यहाँ पे ये जानबूझ के गिराया ताकि हमें पता चल सके वो यहाँ पर थी। जानकी भाभी यहाँ पर थी नितिन, जानकी भाभी यहाँ पर थी। शिखर हो सकता है वो दी को अब यहाँ से लेके गए हो। ये हिम्मत हारने का वक्त नहीं है, मैं जानकी को ढूंढना होगा, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं, चलो यहाँ से। इधर छोड़ो, छोड़ो, क्या कर रही हो तुम, अभी कहाँ लेकर जा रहे हो, छोड़ो अपने मन को, ये चना की भारी पड़ेगी, चल। देखो अच्छा नहीं होगा, क्या कर रहे हो तुम, अब देख देख मैं क्या करता हूँ। नितिन शेखर कहाँ हो तुम लोग, क्या किया तुमने, अरे भगवान अब क्या होगा। थैंक गॉड हम वहां से निकल गए, वरना आज तुम सब दफन हो जाते। मतलब ये जो कोई भी है वो शायद इस जगह से जाने ही वाले थे, इसलिए सबूत मिटाने के लिए उन लोगों ने ये सब किया। मुझे नहीं लगता वो लोग ज्यादा दूर गए होंगे। शिखर जानकी जिनके भी पास है वो लोग बहुत खतरनाक है। चुपचाप ना पहन ले, सीधे भगवान के पास पहुंचा देंगे, चल ऊपर। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी आपने हमेशा हमारी केयर की, चाहे हमारे पास कुछ था या नहीं था, पर आपका प्यार तो हमेशा हमारे पास था। आप हर मुसीबत में हमारे लिए खड़े रहे, हमारे साथ खड़े रहे, पर आज आपकी इस जानकी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज आप कहाँ हैं हर्ष जी, प्लीज आ जाइए हमें बचाने। अगर आपने हमें हमें नहीं बचाया, अगर आप यहाँ नहीं आए हमें बचाने, तो हम अपनी जान दे देंगे पर किसी और से शादी नहीं करेंगे। आप कहाँ हैं हर्षी? मैं आपके आसपास ही हूँ जानकी जी। कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो बॉस, आपके जैसा दूल्हा तो मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा बाकी दोनों कहाँ हैं? वो दोनों वरमाला लेने गए हैं बॉस। नहीं नहीं वरमाला के बिना शादी कैसे होगी? नहीं नहीं ए, देखो बाराती भी आ गई, अब लग रहा है ना शादी का माहौल।
पहली बार जानकी की शादी में इतनी खुशी हो रही है। आखिर भगवान ने हमारी मुराद पूरी कर ही दी। हर्ष कहाँ है? अब मेरा आदमी ढूंढ रहे हैं, बस खबर आती होगी, मिल जाएगा जल्दी। अच्छा होगा कि वो जल्दी मिल जाए, क्योंकि मैं दूसरा मौका नहीं दूंगा। वरमाला कराएं। बस हर्ष नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगी, बस किसी तरह हर्ष मिल जाए। अब तो हर्ष बाबू क्या हो गया, क्या हो गया आपको? मैं ठीक हूँ। आपको बुला लेते। मैं एकदम ठीक हूँ। आप जानकी जी के बारे में कुछ पता चला? नहीं बाबू, सब उसको ढूंढ रहे, उसका पता नहीं चल रहा। इसकी वजह से जानकी के पापा भी बीमार हो गए, नितिन उनको हॉस्पिटल लेकर गया है। बस, बिल्कुल मत रोइयो, मुझे सिर्फ ये बताइए। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ, मैं ढूंढूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ढूंढूंगा जानकी जी को। आप पूरी बात बताइए कि मुझे जानकी जी के साथ हुआ क्या था। वो जो लोग उधार देते हैं ना, क्या कहते, साहूकार, उनसे हम कुछ पैसा लिए थे घर का सामान खरीदने के लिए। जानकी को उठा कर लेकर गए, हम घर का सारा सामान बेच भी दिए, लेकिन पैसा पूरा नहीं पड़ा तो हम दे नहीं पाए, जानकी को वापस नहीं ला पाए। हमको तो लगता है सबके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद है। सुनो, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि वो साहूकार कहाँ मिलेगा। बताते, मुझे बताइए। मंदिर है, वही साहूकार का ऑफिस है। हमको नहीं पता था बाबू की वो लोग इतने खतरनाक। आप चुप हो जाइए। मैंने आपसे वादा किया ना, जानकी जी आएंगी और सही सलामत आएंगी, कुछ नहीं होगा। आप आराम से। रुकिए ना, ऐसे कपड़े में जाएंगे, नितिन का कपड़ा देते हैं, बदल कर जाइएगा। बैठ जाइए, बैठिए ना, एक मिनट में आते हैं हम। हाँ समझ में नहीं आ रहा है, हर्ष ने मैसेज क्यों किया, उसने कॉल क्यों नहीं किया, वो घर क्यों नहीं आया, यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पा रही है। अरे कुछ बातें ऐसी होती है ना जो समझ के बाहर होती है, उसे समझना मुश्किल होता है। अब राजेश के पास दिमाग है नहीं, इसलिए इस मामले में वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। और शिखर के पास दिमाग है, लेकिन वो हमारी मदद करेगा नहीं, क्योंकि उसे हमारी नहीं, उस जानकी की पड़ी है। शिखर को गलत मत समझ बेटा, मुझे विश्वास है कि हर्ष जल्दी घर वापस आ जाएगा, और मेरी जानकी भी। संभल के सर। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और यकीन कीजिए जानकी जी सही सलामत इस घर में वापस आएंगे, मेरा वादा है आपसे। खुश रहो, मैं आता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जानकी जी को कैसे ढूंढूंगा। दोस्त ये साहूकार का ऑफिस है। ये चलना जल्दी से, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, ऊपर से बॉस का बार बार फोन आ रहा है। तुझे पता है ना वो लड़की कैसी है? शिखर, शिखर, शिखर क्या हुआ बेटा? क्या हो रहा बेटा? आप बैठो, बैठो इधर बैठो। शिखर, शिखर वंदना जल्दी से मलहम लेकर आ। हाँ मैं फर्स्ट एड लेकर आती। क्या हुआ शिखर? किसने किया ये सब बताओ शिखर। डैड, जानकी भाभी बहुत बड़ी मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करनी होगी डैड प्लीज। शिखर तू जानकी को ढूंढने गया था क्या? यहाँ तुम्हारा अपना भाई मिसिंग है और तुझे जानकी की पड़ी है। शिखर ये सब कैसे हुआ बेटा, और जानकी कहाँ है, कैसी है वो, कुछ तो बोल। माँ आप भी
इस परिवार का हिस्सा है डैड। शिखा पेन किलर है, इसको खा लो ठीक हो जाओ। आराम से खा, आराम से। हर्ष भाई कैसे हैं? वो आ गए होंगे ना? हर्ष का मैसेज आया था, मुझे नहीं पता, हम में से किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है, पर उसका सिर्फ मैसेज आया था। मैसेज किया था? भाभी जान की भाभी बड़ी मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करनी होगी। मेरी बात सुने, जानकी भाभी किडनैप हो गई है। जानकी जानकी जानकी, हम हर्ष को ढूंढ नहीं पा रहे हैं और तुम लोग जानकी के नाम की माला जपे जा रहे हो। बताओ कौन है जिसने तुम्हें जानकी को ढूंढने में मदद की? मैं और नितिन गए थे, जानकी भाभी एक वेयरहाउस में बंद थी। अरे मर जाए वो मेरी बला से, आई जस्ट डोंट केयर, हमें सिर्फ अपना बेटा चाहिए बस। डैड जानकी भाभी इस परिवार का हिस्सा है और आप उनके मरने की बात कर रहे हैं। डैड डैड आप देखेंगे वो इस दरवाजे से वापस आएंगे सही सलामत। डैड आप उन्हें अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानते, मैं मानता हूँ, इसलिए मुझे जाना पड़ा। जो घाव देख रहे हैं ना डैड आप, ऐसे एक नहीं ऐसे हजार घाव भी झेलने पड़े ना मुझे जानकी भाभी के लिए, तो मैं झेल जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डैड शिखर 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 क्या कर रहा है तू? डैड आपको अभी भी लग रहा होगा ना कि जानकी भाभी किसी बड़ी मुसीबत में नहीं है, जिसने मेरा ये हाल करा जानकी भाभी उसकी गिरफ्त में है। आपको जरा सी भी चिंता नहीं है डैड? क्या बिगाड़ा क्या है आपका जानकी भाभी ने? मेरा भाई लड़ रहा था अपनी जिंदगी के लिए, अपनी किडनी निकाल के दे दी जानकी भाभी ने उनकी जिंदगी बचाने के लिए। डैड कम से कम इस रिश्ते से ही उनकी मदद कर दीजिए डैड, और अगर आप मदद नहीं कर सकते ना डैड, आ जाऊंगा उनके पास, मुझे किसी की जरूरत नहीं है डैड। शिखर तुम्हारे घाव भर जाए ना तब तक आराम करो, शिखर तुम्हें आराम की जरूरत है। आप नहीं समझेंगे डैड, मुझे जानकी भाभी को ढूंढना ही है। ए पकड़ इसको। दुल्हन तैयार हो गई मेरी। हम मरते दम तक सिर्फ हाशी की दुल्हन रहेंगे। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। शादी तो होगी, बड़े आराम से होगी। तुमने अभी तक सिर्फ मेरा प्यार देखा, गुस्सा नहीं। पकड़ो इसे। छोड़ो हमें। जानके ये क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। हाय जी ठाकर मंडप पर बैठा, इसकी शादी होगी मुझसे होगी। राजेश आज हमको ऐसा लग रहा है जैसे हम गंगा नहा लिए। आखिर वो दिन आ ही गया जब ये जानकी नाम की बला हमारे सर से टल जाएगी। बात तो एकदम सही कह रही हो, सोचा नहीं था हमने हमारे साथ ऐसा कुछ होगा, पर जो भी हो रहा है ये जानकी की मनहूसियत जिंदगी से जा रही ना वही बहुत है। बस ये शादी जल्द से जल्द निपट जाए, कई बार हर्ष और जानकी ने मिलकर हमारे इरादों पर पानी फेरा है। राजेश हमको तो अभी भी डर लगता है कि कहीं हर्ष कुत्ते की तरह सूंघता सूंघता यहाँ भी ना आ जाए। बाप राम का फोन। हेलो यस पापा। कहो राजेश। मैं उसको हर्ष को ढूंढ रहा हूँ पापा। तुम हर्ष को ढूंढ रहे हो? राजेश वो कब का निकल चुका है, किसी अनजान नंबर से हर्ष ने मुझे मैसेज भेजा था। अब सुनो हमारी बात, पुलिस ने उस आदमी को ट्रेस कर लिया है जिसके फोन से हर्ष ने मुझे मैसेज भेजा था, लेकिन उस आदमी को हर्ष के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है, और तुम कह रहे हो कि तुम उसे। राजेश आज तक तुमने एक भी काम ठीक से किया नहीं है, सच कहूँ ना तो तुम नाकारा हो नाकारा। क्या हुआ राजेश, क्या हुआ? पापा का फोन था ये हर्ष का, उन्हें पता नहीं फोन या मैसेज आया था, वो कहीं बाहर घूम रहा है और जहां था वहां से भी गायब हो गया, पता नहीं कहां है। ये भगवान, अब ये बात इस अमित को पता चली तो वो तो इस शादी के मंडप में चिता जला देगा हमारी। और राम का फोन था ना तुमको, कहीं उनको वहां शक ना हो जाए। हमारे बारे में तो उनको पता है कि हम मंदिर में हर्ष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अगर अगर वो तुम्हें खोजेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। राजेश तुम जाओ,
तुम घर जाओ जल्दी से। ठीक है, आप ध्यान रखना, ये आदमी ठीक नहीं है। हम संभाल लेंगे, अब तुम जाओ। हे भगवान, ये काम निपट जाए जल्दी से। पंडित जी, राजेश का? वो हर्ष का पता चल गया ना, इसलिए उसको वापस जाना पड़ा। चलिए शुरू कीजिए। गठबंधन कीजिए, हम ही कर लेते। अंत भला तो सब भला, आखिर इस जानकी नाम की आफत से पीछा छूट ही जाएगा हमारा, और मौका देखकर हम हर्ष का खाता भी बंद कर देंगे, उसके बाद सब कुछ हमारा। राजेश, यहां कुछ सुनाई नहीं दे रहा, एक मिनट। हाँ, अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाएंगे। चलना जल्दी से, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, ऊपर से बॉस का बार बार फोन आ रहा है। तुझे पता है ना वो लड़की कैसी है? अरे धीरे धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो। जानकी जी, मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा आपको। हाँ, कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता मेरे होते हुए। आंखें खोलिए, मेरी तरफ देखिए। जानकी जी, ए, तेरा प्रेम लीला अगर खत्म हो गया हो, बॉस की शादी कर ले। बहुत जल्दी है तेरे बॉस को शादी करने की, मैं बात कर रहा हूँ ना। जानकी जी, सब ठीक हो जाएगा, मेरी तरफ देखिए। इसने हाथ लगाया ना आपको? किससे पूछ के हाथ लगाया तूने? किससे पूछ के हाथ लगाया तूने? छोड़ बे, कहना ही तो जाए, मैं समझा तू? अचक अचक साम मुझे भी आया था जब तूने मुझसे कंपनी की डील छीनी थी। इतना पागल मैं भी हुआ था जब तूने मुझे बर्बाद किया था। पर आज आज अच्छा लग रहा है तुझे ऐसे तड़पते हुए देख, अच्छा लग रहा है। अभी तू तड़पेगा, समझा? अभी तू तड़पेगा, अभी तू देख। बुरा लगता है
लगा जब कोई तुझसे तेरी कीमती चीज छीन ले। मुझे भी लगा, मैं भी ऐसे तड़पा, मेरे भी आंखें ऐसी लाल थी। मन कर रहा था कि किसी की खून कर दूं। कर रहा है ना, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आज ठंडक मिल रहा तुझे ऐसे देख। अभी तो ठंडक मिलेगी तुझे। एक सेकेंड आया है तो खातिरदारी तो मैं करूंगा। अब ये यार और इसकी चिता आज जलनी चाहिए। ये खत्म करो उसे। बात थी ना, वो डील मैंने तुझसे इसलिए ली थी क्योंकि तू उस डील के लायक नहीं था। हर्ष जाओ, क्या कर रहा है ये बकवास? बचाओ बचाओ हमको, इसने अगर हमको देख लिया तो। एक डील के लिए तू एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा था। तू जानता है वो कौन है? जानकी जी, मेरी जानकी जी। मेरी जान बचाई है उन्होंने, समझा? उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखी ना तो तेरे हलक में हाथ डाल के तेरी जान मार निकालूंगा, याद रखना। बेवकूफ है तू हर्ष, मुझे लगता है मैं हूं तेरा दुश्मन। नहीं, तेरा दुश्मन तू और है। इस सांप को मारने के चक्कर में खुद का ताला तोड़ रहा है। क्या बोला तू? किसका नाम लिया तूने? किसका नाम लिया तूने? बोल, नाम बता। बकवास कर रहे ना तू? नाम बता मुझे, नाम बता, नाम बता मुझे। नाम जानना तुझे? जब तू नाम सुनेगा ना, तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अबे हंसेगी दुनिया तुझ पर और रोएगा तू। नाम बता, नाम बता, नाम बता, वरना तेरी जान ले लूंगा मैं यहीं पर। नाम बता। देख, मेरे से जितनी मदद हो सकेगी मैं तेरी करूंगा। मुझे नाम बता, कौन है वो? कौन है वो? मुझे नाम बता। ठीक है, नाम सुनना ना तुझे। उनका नाम आसपास कोई है? गोली चलिए, गोली चलिए, आसपास देखो, गोली चलिए, गोली। मुझे बता, मुझे नाम बता, मुझे नाम बता, नाम बता।
जल्दी चलो। डीएल टू ये गाड़ी कहीं अमित को गोली मारने वाली की तो नहीं थी? अमित के बोलने का क्या मतलब हो सकता है? क्या बोला होगा अमित ने मुझे? हो गया राजेश, पूरा प्लान चौपट हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि आज को पता नहीं चला, हम बाल बाल बच गए। सोचो अगर उसको पता चलता कि ये सब हमारा किया धरा है तो क्या होता? अर्श कहाँ से आ गए? क्या कह रही माँ आप? अर्श को कैसे पता चला जान की कहाँ है? वो कहाँ से पहुंच गया वहाँ? जान की फिर से एक बार बच गई। पता नहीं ऐसा कौन सा बंधन है इन दोनों में कि दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए पहुंच ही जाते हैं। लेकिन राजेश इस बार हम इस जानकी को घर में तो नहीं घुसने देंगे। एक काम करो राजेश, तुम ना श्वेता को ले आओ और तुम और श्वेता मिलकर घर में आग लगा दो। हर्ष को मारने की कोशिश और श्वेता की बीवी को लेकर घर में एकदम हंगामा मचा दो। इतना भड़काओ राम को ना कि वो जानकी को घर में घुसने ही ना दे। चाहे जो हो जाए, अब हम जानकी को हमारे घर में घुसने नहीं देंगे। उसकी वजह से हमारे हाथ खून से रंग गए। हम छोड़ेंगे ही नहीं उसको, हम छोड़ेंगे नहीं। फोन ही नहीं लग रहा उसका, समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो ठीक हो गया है तो उसे घर आ जाना चाहिए था। बाहर कहाँ चला गया वो? और कहाँ जाएगा वो? उसी चुड़ैल के पास गया होगा। आपको क्या लगता है पापा जी, वो और कहाँ जाएगा? आप सब यहाँ परेशान, मैं वहाँ हॉस्पिटल में। खुद हर्ष की किसी ने जान लेने की कोशिश की, फिर किडनैप किया, लेकिन इस बीच में उसे सिर्फ जानकी की चिंता है। इसीलिए हम सबको यहाँ परेशान करके वो वहाँ उस जानकी के पास है। जानकी ने ना मेरे हर्ष का ब्रेन वॉश कर दिया है। अब आप ही बताइए पापा जी, मेरा हस्बैंड किसी और औरत, आप उसे कुछ बोलते क्यों नहीं है? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। देखा, मैं कहती थी ना कि मेरे हर्ष और जानकी को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया। अरे तुम लोग बकवास बंद करो। ये क्या बकवास कर रही हो तुमने? मेरा हर्ष उस लड़की के पास जाए, ये हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं ना, आप खुद राजेश भैया से पूछ लीजिए। जी पापा, ये श्वेता एकदम ठीक कह रही है। मेरे आदमी ने बताया कि वो हर्ष वहाँ पहुँच गया दरभंगा जानकी के पास। वह हॉस्पिटल गया था, बेचारी डिस्चार्ज होने का वेट कर रही थी। अब उस हर्ष को देखिए, ठीक होके सबसे पहले उसे ये श्वेता के पास आना चाहिए था ना, पर वहाँ जानकी के पास पहुँच गया। अब आप ही बताइए पापा जी, मैं क्या करूँ? हर्ष को मेरी नहीं उस नौकरानी की पड़ी है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उसने आपके बारे में भी नहीं सोचा। आप उसके लिए इतना सब कुछ करते हैं, आप उसकी इतना चिंता करते हैं, लेकिन उसको तो पड़ी ही नहीं है। बस सब छोड़ के हमें परेशान करके वो जानकी के पास चला गया।
पापा जी, मुझे लगता है मुझे अपने डिसीजन में सोचना चाहिए। ये शादी उस लड़की को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब जाकर आराम करिए, हम जानकी के पास बैठते हैं। नहीं नहीं, हमको जानकी के पास ही बैठना है, हम ठीक हैं। अब हमारा एक भी बात नहीं सुनते, आपका तबीयत फिर से खराब हो जाएगा, जानकी को पता लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना उसको, बात ही नहीं समझते। पापा निशा, तुम कब आए ऐसे अचानक? चलो चलो बाहर बात करते, सब ठीक है ना? हाँ माँ ठीक है। वो क्या है कि नितिन बहुत दिनों से कॉलेज नहीं गया था, उसके कॉलेज वालों ने सस्पेंशन लेटर हमें भेज दिया। हमने बताया भी था नितिन को इस बारे में, लेकिन उसने कहा कि वो जानकी दी और पापा को इस हाल में छोड़कर पटना वापस नहीं जा सकता। फिर हमने उसे कहा कि तू कुछ भी करके पटना वापस आ जा, बस हम चले जाएंगे दीदी और पापा को संभालने के लिए। जानकी को अभी आराम करने दीजिए। डॉक्टर साहब अभी तक वो अनकॉन्शियस हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी? बस रहने दीजिए आप, हम आ गए हैं यहाँ पर और हम अपनी दीदी का ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर हुआ क्या है हमारी दीदी को? वो गहरे सदमे और ट्रॉमा की वजह से बेहोश हो गई है, तो रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलता हूँ। ठीक है हर्ष जी। हर्ष जी एक मिनट जी। देखिए आपने और आपके परिवार ने जानकी के लिए जो कुछ भी किया है ना, उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप जानकी से नहीं मिले। हम इतने भी गए गुजरे बाप नहीं कि जानकी के लिए कुछ कर नहीं सके। जब तक हम जिंदा हैं जानकी को कौन तकलीफ नहीं आने देंगे। वैसे आप लोगों ने उसका जो हाल किया ना, उसके बाद हम कभी आपको माफ नहीं कर सकते। क्या नहीं किया उसने आपके लिए, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? यहां तक उसे जेल भिजवा दिया आप लोगों ने। बस अब और नहीं। आप हाथ मत जोड़िए। हाथ मुझे जोड़ने चाहिए, हमारे परिवार को जोड़ने चाहिए, और मैं अपने परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। मैं ये भी जानता हूँ कि आपसे ज्यादा जानकी जी का ख्याल कोई रख ही नहीं सकता। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं आपके साथ हूँ। हाँ, एक चीज की ना बहुत ज्यादा जरूरत है अभी, कि आप अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाए। निशा है ना पागल हो गई, जब हर्ष बाबू खुद आए हैं मदद के लिए देने के लिए तो मना काय कर रही है।
हमारा उद्देश्य आपको या आपके परिवार को दुख पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी हमसे जो हो सका हमने किया है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप रुक जाइए तो? किस हक से रोकेंगे आप हमें? तो वो तब आएगा जब वो घर पर हो। हर्ष को ना माँ बाप की चिंता है, ना इस घर की चिंता है, ना हमारी इज्जत की चिंता है। उसे चिंता है सिर्फ और सिर्फ जानकी की। पता नहीं क्या जादू करके रखा है उस लड़की ने, और कुछ दिखाई नहीं देता उसे। वो लड़की इंसान नहीं है, शैतान है। शैतान हमारे परिवार को बर्बाद करने पर तुली हुए। हर्ष को ना अपनी हालत के बारे में कुछ पता है, लेकिन जानकी का पूरा ख्याल रखता है वो। बस कर राम, मैं चुप हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा उसके खिलाफ। दादी ऐसा क्या गलत कह दिया पापा ने? एकदम ठीक तो कह रहे हो। आपको मालूम है जानकी का किडनैप क्यों और किसने किया? उसके घर वालों ने साहूकार से पैसे उधार लिए थे और चुकाए नहीं। गुंडे उठा के ले गए जानकी को। जब पैसे चुकाने की औकात नहीं थी तो लिए क्यों? पूरा खानदान दो कौड़ी का इन लोगों का। और वो हर्ष पता नहीं उस मनहूस के चक्कर में क्या करने और कहाँ पहुँच गया। और आपको किसने हक दिया ये डिसाइड करने का कि जानकी जी मनहूस है या नहीं? हर्ष, मेरा बच्चा। हर्ष तू ठीक तो है ना? हर्ष मेरा बच्चा, कैसा है तू? हर्ष तुम ठीक तो हो ना बेटा? हर्ष तुम्हें किडनैप किसने किया? कुछ देखा होगा तुमने, कुछ सुना होगा। हर्ष नहीं, अभी रंगीली का नाम बताना सही नहीं होगा। उसके इरादे गलत नहीं थे। वो शायद मुझे मेरे उस अनजान दुश्मन से बचाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे किडनैप किया था। अभी डैड को इसके बारे में बताना सही नहीं होगा। कुछ बोलते क्यों नहीं? यही तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। मुझ पर अटैक हुआ है, आप लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता? आप लोगों को पता होना चाहिए तुम्हें। पुलिस तलाश कर रही है, बहुत जल्द सच सामने आ जाएगा। छोड़िए ना इन बातों को। हर्ष वापस आ गया है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती? अब हमको इसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। श्वेता भी तो वापस आ गई है। हर्ष आओ, आओ, आओ। दादी सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी अजीब बात है ना दादी, हम सब जानते हैं कि जानकी भाभी को ये केमिकल वगैरह मिक्स नहीं कर सकती मेहंदी में, पर क्या करें, हम इस बात को प्रूव ही नहीं कर सकते। कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास। तो ठीक कह रहा है शिखर, और देखना ऐसे में उसके उसके घर वाले उसके साथ क्या सुलूक कर रहे हैं, खास करके उसकी माँ। ऐसे में हम उसको वहां कैसे रहने दे सकते हैं शिखर? लेकिन यहां तो सारे उसके खिलाफ हैं। कोई भी उसे नहीं आने देगा, चाहे उस बेचारी का कोई कसूर ना हो। सब कुछ जानते हुए भी हम जानकी भाभी को उस पापा बेबी श्वेता से बचा नहीं पा रहे हैं। मैं तो चाहती थी कि हर्ष और जानकी दोनों हमेशा एक साथ रहे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है शिखर। दादी क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दादी मैं एक बात बोलूं? देखो बात शायद सुनने में आपको बुरी लग सकती है, आई थिंक हमें जानकी भाभी को यहाँ आने से मना कर देना चाहिए। दादी क्यों? दादी कितनी बेइज्जती करा चुके हैं वो अपने यहाँ पर, बस ना कितना सहन करेंगी वो। लेकिन बेटा अगर ऐसा हो गया ना तो हर्ष और जानकी कभी एक नहीं हो पाएंगे,
मैं जानता हूँ दादी, जानता हूँ शायद वो कभी एक ना हो पाए, पर दादी दादी आप ही बताइए, अगर ये सब कुछ रूही के साथ हो रहा होता तो क्या आप होने देती? नहीं ना दादी, आई थिंक भाभी को इस घर से दूर ही रहना चाहिए, शायद जानकी भाभी और हर्ष भाई का साथ यहीं तक था। यहाँ आएंगी तो दुख और तकलीफ के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलेगा दादी, यहाँ से अलग अपने घर में रहेंगी तो शायद सुकून की जिंदगी जी सके। चले गए थे तुम, तुम्हें पता मैं तुम्हें कितना मिस किया, इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। हर्ष, how can you do this to me? अरे अब तो आ गया हूँ ना, तो अब रिलैक्स करो, मुझे दिखाओ जख्म कैसे, तबीयत कैसी? बस तुम दोनों की शादी हो जाए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। कितने प्यारे लग रहे हो तुम दोनों एक साथ, नजर ना लगे किसी की। एक बार हर्ष से पूछ लीजिए वो मुझसे शादी करना चाहता है कि नहीं, वैसे भी आजकल वो जानकी में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। तो तुम इतनी शोर हो तो मत करो शादी। कैंसिल कर देते हैं। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड नहीं, एहसानमंद रहता हूँ, मेरी जान बचाई है उन्होंने, यू शुड नेवर फॉरगेट अबाउट दैट। छोड़ो ना इन सब बातों को, शादी की तैयारी करते। जानकी के लिए जो कुछ भी किया है ना, उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप जानकी से नहीं मिले। वैसे आप लोगों ने उसका जो हाल किया ना, उसके बाद हम कभी आपको माफ नहीं कर सकते। क्या नहीं किया उसने आपके लिए, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? क्या बात है बेटा, बताओ ना। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी सब कुछ खाली सा है, कुछ अधूरा सा लग रहा है, जो पूरा नहीं हो रहा है। पता नहीं किस चीज की कमी हो। रोते नहीं है। आपसे एक बात पूछूंगा, बताओ। बोलो ना। आपको लगता है कि जानकी जी कुछ ऐसा कर सकती है? नहीं, हमको बिल्कुल नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकती है। लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है ना, इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान वो भी कर बैठता है जो वो कभी नहीं कर सकता था। जैसे? जानकी की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही मोड़ था, मतलब उसके पति ने, उसके परिवार ने उसको छोड़ दिया था, अब तुम्हारी शादी हो रही थी, तुम्हारी खुशहाल जिंदगी देख हो सकता है उसको बुरा लगा हो, जलन जलन हो रही हो, इंसान है आखिर, और उस चक्कर में उसने ऐसा कर दिया हो। लेकिन लेकिन दूसरी तरफ ये भी लगता है कि जानकी ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि जहां तक हम उसके बारे में जानते हैं, वो एक बहुत अच्छी लड़की है। खैर, तुम इस सब के बारे में क्यों सोच रहे हो अभी, ये वक्त है हाँ, अब तुमको आगे के बारे में सोचना चाहिए। आप सही कह रही हैं, मुझे अब आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, श्वेता के बारे में सोचना चाहिए। पता नहीं कौन सही है कौन गलत है इस बारे में तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आगे की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। Whole life is waiting for me. Cheer up. कभी कभी समझ नहीं आता कि दिल की सुनो या घर वालों की। दिल कहता है जानकी जी ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन घर वाले कहते हैं कि हाँ, रीजंस हैं, जलन है।
दूसरे की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकते। आप इतने विश्वास के साथ ये बात कैसे कह सकते? आपकी आंखें देखकर। हमारे पापा कहते हैं कि इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। हमारे पति हमारे लायक नहीं है। कैसे? ऐसा नहीं है, हम उनके लायक नहीं है। हमारे पति हमसे भी अच्छे जीवन साथी के लायक है। मैं आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहता हूँ। मेरा साथ देना और जानकी जी का भी। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ हर्ष। तुम भले कितना भी दिखावा कर लो, मगर तुम्हारा दिल जानता है कि जानकी गलत नहीं है। सब तुम्हारी नजरों में जानकी को सिर्फ और सिर्फ गलत साबित करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बस अब यही बात मुझे सबके सामने लानी है। अब मुझे जानकी का सहारा बनना है, उसकी लड़ाई में उसके साथ खड़े होकर उसे उसका हक दिलाना है, भले उसके लिए मुझे साम दाम दंड भेद किसी भी चीज का सहारा लेना पड़े। मैं जानकी को इस घर में वापस लाकर आऊंगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो कहा है कि कभी कभी बुराई का अंत करने के लिए खुद भी बुरा बनना पड़ता है। तो ठीक है, आई प्रॉमिस हर्ष, तुम्हें तुम्हारी जान की जरूर वापस मिलेगी। कजरी, रंगीली कैसी है और तुम्हें उस बारे में कुछ पता चला? हाँ दीदी, अभी ठीक है, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरा एक फेवर करोगी? जी बोलिए। गलत के साथ अब गलत होना ही पड़ेगा। जब तक जानकी इस घर में थी उसने मेरा साथ दिया था, अब मेरी बारी है। अब मैं जानकी का साथ दूंगी। जानकी की जीत के लिए अगर मुझे मेरे घर वालों के खिलाफ जाकर भी खड़ा होना पड़े तो मैं वो भी करूंगी। मगर कल हर्ष और श्वेता की शादी नहीं, जानकी के घर वापस आने की खुशी मनेगी। कल इस घर की असली बहू जानकी की असली अर्धांगिनी जानकी घर वापस आएगी। मुझे तो लगा आप दोनों ने मुझे धोखा दे दिया। श्वेता, तुम्हारे उस मेहंदी वाले कांड के बाद हम लोगों के साथ क्या क्या हुआ है तुम नहीं जानती। लेकिन हर्ष पे हमला किसने किया? अब ये हमें क्या पता, हमें तो सिर्फ जानकी से पीछा छुड़वाना था ताकि तुम्हारी शादी जल्दी से खुदहर्ट के साथ हो जाए, पर देखो वो भी नहीं हो पाया। छोड़ो ना इन फालतू की बातों को राजेश, इन बातों से अब क्या फर्क पड़ता है? श्वेता, तुम्हारे हाथों का तो अभी भी बहुत बुरा हाल है। हाँ हाल तो बहुत बुरा है, लेकिन जब अकाउंट में पैसे आएंगे ना तो हाल भी खुशहाल हो जाएगा। तो एक काम करो, अपना हाल खुशहाल कर लो। तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए मैंने। बस मुझे एक बात बताओ श्वेता, ये कमाल किया कैसे तुमने? आज जला लिए अपने और इल्जाम जानकी पे। जी, किसी भी हालत से ना जानकी से छुटकारा पाना था और हर्ष की सिंपैथी गेन करनी थी, इसलिए जानकी ने मेरी जिंदगी हराम करके रखी है। हेट हो, किसी भी तरह ये जानकी हमारी जिंदगी में वापस नहीं आनी चाहिए। बिक तो चुकी ही थी, वो मरने से बच गई। हमको नहीं लगता वो वापस इस घर में आएगी।
और उसके घर वाले तो उसे बिल्कुल नहीं आने देंगे। एक सेकंड, बिक गई थी, बच गई, मैं कुछ समझी नहीं। उसकी माँ ने उसको चंद पैसों के लिए बेच दिया, फिर हमने मौके का फायदा उठाया और उसकी शादी एक गुंडे अमित से करने का प्लान बनाया, फिर हर्ष ने जाके बचाया। लेकिन उसका बाप जो है ना, बहुत चिंता है उसको जानकी की। हमको नहीं लगता है कि वो उसको यहाँ आने भी देगा, और गलती से अगर आ भी गई ना तो राम उसको हर्ष के आसपास भटकने भी नहीं देंगे। हाँ। सारी चीजें बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, हर्ष जिंदा है और जानकी यहाँ से जा चुकी है। बस ये शादी जल्द से जल्द निपट जाए ताकि हम आगे के प्लान के बारे में कुछ सोचें, ठीक है ना? इसका मतलब राजेश और श्वेता मिले हुए, पर उनके साथ ये तीसरा कौन है? इसका पता लगाना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, अब मैं जानकी को हर हाल में निर्दोष साबित करके रहूंगी और हर्ष और जानकी का रिश्ता बचा के रहूंगी। अब जो मैं करने जा रही हूं उसके लिए मुझे भगवान माफ कर दीजिएगा, लेकिन जानकी के ऊपर लगे दाग को मिटाने का मेरे पास बस यही एक रास्ता है। फाइनली मुझे जानकी से छुटकारा मिल ही गया। अब श्वेता तेरे पास पैसे ही पैसे होंगे, अब मिसेस हर्ष शास्त्री बनने से तुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे यकीन है इस प्लान से जानकी जरूर लौट आएगी। गीजर बंद करना भूल ही गई। हाँ, लगता है पैसों के चक्कर में सब भूल जाऊंगी। सॉरी श्वेता, पर मैं रोकूंगी तुम्हें मिसेस हर्ष शास्त्री बनने से। तुम्हारा ये सपना तो मैं पूरा नहीं होने दूंगी। बस एक बार हर्ष इस ड्रॉअर में देख ले, फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। श्वेता, तुम्हारा ये सपना पूरा नहीं होगा, एंड आई एम नॉट गिल्टी अबाउट इट। नाराज हो मुझसे, बात नहीं करोगे? सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी। आपको पता है ना, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं आपको दुख नहीं देना चाहता। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है मां? लेकिन आप परेशान तो होंगे ही ना। 5 साल बाद तुम ठीक हुए हो और फिर कोई तुम्हें मारने की कोशिश करता है, उसके बाद तुम अचानक से गायब हो जाते हो, कैसे परेशान नहीं होंगे बताओ? अच्छा सॉरी, तभी तो मैं कह रहा हूँ सॉरी माँ, मुझे मालूम है मैंने आपको टेंशन दी। चलो ओके, अब आप मत रो। अच्छा ये बताओ, तुमको कौन ले गया था, कुछ याद आ रहा है? क्या फर्क पड़ता है, मैं घर आ गया हूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं? लेकिन पता, वैसे भी अपने गुजरे हुए कल के बारे में नहीं सोचना चाहता,
अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। दादू बेटा मैंने विघ्नहर्ता पूजा रखी है, तैयार रहना सुबह। कितना सोचते हो ना आप मेरे बारे में दादू। राम को भी मैंने इस बारे में बता दिया। अम्मा जी हम चाहते हैं कि ये पूजा हर्ष और श्वेता के हाथ हो। अम्मा आपको कोई एतराज नहीं है ना? मुझे क्यों एतराज होने लगा बहू? फिर ठीक है, ये पूजा मैंने इसलिए रखवाई है ताकि हर्ष की जिंदगी का सबसे बड़ा विघ्न वो श्वेता इस घर से चली जाए और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी विघ्नहर्ता मेरी जानकी इस घर में वापस आ जाए। एक बार जानकी जी को फोन करता हूँ, पूछता हूँ कैसी हैं वो। क्या सोच रहा है बेटा? नहीं दादू कुछ नहीं, मैं तो बस यही सोच रहा था कि कुछ नहीं दादू, थोड़ा थक गया हूँ तो थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता। मैं जानती हूँ बेटा कि तेरा दिल सिर्फ जानकी के लिए धड़कता है। हे भगवान, मैं चाहती हूँ कि आप कल ही कोई चमत्कार कर दें। हमारी माँ इसलिए नाराज है क्योंकि हमारे पति ने हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते। आपने उनसे बिना पूछे मुझे किडनी डोनेट कर दी, इसलिए तो नहीं? आप भगवान से प्रार्थना करिएगा हमारे लिए, शायद वो आपकी सुन ले। अगर मेरे प्रार्थना करने से आपके पति वापस आते हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आपकी अहमियत को समझे और सबको छोड़कर आपको अपना ले। जानकी जेब भी नाराज है हम सब से, जायज भी है, ना बुरा हुआ है उनके साथ। By the way, दवाई वगैरह खाई कि नहीं खाई? बेबी, तुम्हें पता है ना? क्या? मैं तुम्हारे हाथ से दवाई खाना पसंद करती हूँ। अच्छा? अच्छा, दवाई वगैरह छोड़ो। Tell me, how am I looking? ये तुम बाद में भी कर सकती हो ना? पहले दवाई खा लो। दवाई खाओगी तभी पूछ पाओगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, है ना? कहाँ है दवाई? खाइए। I don't know, maid ने वो drawer में रखी होगी। Come on, श्वेता। Morning, mama. चलो चलो जल्दी से चलो, पंडित जी बस पूजा के लिए आते ही होंगे। हाँ तो आप लोग चलो, मैं आ रहा हूँ ना। हाँ दवाई ववाई बाद में। चल श्वेता आओ जल्दी से। आ रहा हूँ, दवाई ववाई बाद में।
जो दवाइयाँ मैंने दी थी वो काम कर रही है। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि फिर से ऐसा कुछ ना हो जिसका असर उनके दिमाग पर पड़े, नहीं तो जान का खतरा भी हो सकता है। श्वेता बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू मम्मी जी। हर्ष बेटा कितना टाइम लगेगा और यहाँ पूजा का समय हो रहा है, सबको ही इंतजार कर रहा है तुम्हारा, आ जाओ जल्दी। ये हर्ष कहाँ रह गया, कहीं उसने बॉटल देखी ही ना हो तो। अभी जानकी भाभी से बात हुई आपकी? अरे देखो तो हर्ष किस बात में बिजी है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं उसका। मैं जाके देखती हूँ पापा जी। आ गया। ये हर्ष इतना चुप चुप सा क्यों है, लगता है इसे बॉटल मिली ही नहीं। बेबी, मम्मी जी आज आप हर्ष को कुछ मत बोलेगा। ये देखिए मैं दवाई लेने के चक्कर में लेट हो गया। बेबी नाउ यू केयर सो मच फॉर मी, आई लव इट। आई एम सॉरी जानकी। हर्ष तुम्हारी दवाइयां, स्टे अवे फ्रॉम मी, स्टे अवे फ्रॉम मी। क्या बात है बेटा? पूछ इसको, इसको पूछ कर जाओ। बताओ क्या, इसको बताओ कि क्या हुआ? क्या हुआ हर्ष, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बात क्या है हर्ष? ये देखिए आप सब देखिए, हर्ष और कुछ कहना है इसकी सफाई के बारे में? क्या है, कुछ नहीं है हर्ष, कब से सब वेट कर रहे हैं हमारा पूजा के लिए। हर्ष आई डोंट वांट कि हमारी शादी में आपको कोई प्रॉब्लम आए। प्रॉब्लम हो गई है, ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये पता है क्या है, एसिड केमिकल जो मेहंदी में मिला हुआ था, और ये मुझे तुम्हारे रूम के ड्रॉर में से मिला है, तुम्हारे रूम के ड्रॉर में से। मतलब ये हुआ कि तुमने मिलाया था इसे अपनी मेहंदी में और इल्जाम लगाया जानकी जी पर। ताकि वो जेल जाएं, इस घर के बाहर जाएं, हम सबकी नजरों में गिर जाएं, मेरी नजरों में गिर जाएं। यही तुम्हारा प्लान था ना? और बावजूद इसके तुम ये सोचती हो कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मेरा हाथ पकड़ के तुम शादी करना चाहती हो मुझसे। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड टू यू, गेट दिस राइट एंड स्ट्रेट। ये शादी नहीं हो रही। कहीं जा रही क्या, इतना सामान पैक कर रहे हैं? हाँ कहीं नहीं जा रहे, तुम अपना काम करो। कहीं तो जा रहे हैं बिना बताए, बताइए ना कहाँ जा रहे हैं? अरे नहीं बताएंगे, जाओ। निशा, ए निशा। क्या हुआ माँ, क्या चाहिए, क्या हुआ? देखो पापा क्या कर रहे हैं, देखो। पापा आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ हम जा रहे हैं और जानकी को साथ लेके जा रहे हैं, समझे? अरे पापा अब जाएंगे कहाँ? हमारे दूर के रिश्तेदार ने हमको काम पे बुलाया है, ज्यादा भाग दौड़ का काम नहीं है, ऑफिस संभालना है, लेकिन उसके लिए मुंबई जाना पड़ेगा और हम जानकी को साथ में लेके जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे साथ ले जाएंगे हमको अकेले छोड़ के, हमारा इस घर में कोई ख्याल नहीं रखता, हम आप लोग के बिना मर जाएंगे। तुम्हें कब से हमारी जरूरत पड़ी, आज तक तो तुम्हें पैसे के अलावा कुछ दिखा नहीं, पैसा ही सब कुछ था, ना किसी का प्यार ना किसी का दर्द। मेरे और जानकी के लिए तुम्हारे कोई मतलब नहीं है, तुम तो बस वो सौतेली है तुम्हारे लिए, नफरत करती हो, आंख में चुभती है ना, इसीलिए हम उसे ले जा रहे हैं मुंबई, तुमसे और शास्त्री परिवार से दूर। ऐसा मत बोलिए, इतना बड़ा सजा मत दीजिए, हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, लेकिन हमको अकेला छोड़ के मत जाइए, हम मर जाएंगे, हम नहीं रह सकते आप लोग के बिना। पापा हम जानते हैं कि आप जानकी दी को लेके बहुत परेशान है, पर माँ को ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना? सही तो कह रही निशा,
हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, हमको माफ कर दीजिए। बस बहुत हो गया नाटक तुम्हारा है। अब हम फैसला नहीं बदलने वाले, हम कह दे रहे हैं जानकी की जान को यहाँ खतरा है। अब क्या खतरा, सब तो टल चुका है, सब ठीक हो गया, हमको माफ कर। क्या ठीक हो गया, पहले मौके पर बेचने चली गई थी तुम अपनी बेटी को। तुम जब तक यहाँ आओ ना, जानकी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एक बात पता है हमको ना, तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है आशा, जरा भी। जब तक तुम्हारे अंदर ये पैसे की लालसा है ना, लालच, ये दिखावा, कुछ ही नहीं होने वाला तुम्हारा। और ये रोने धोने से ना हमारा फैसला नहीं बदले। छोड़ो हमारा, हम जा रहे बस। नहीं मत जाए, नहीं मत जाए। पापा प्लीज, आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और माँ ने अपनी गलती मान तो ली है ना पापा, प्लीज माफ कर दीजिए ना माँ को पापा प्लीज। इसका मतलब तूने जानबूझ के जानकी को फंसाया था, लेकिन क्यों? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता बॉटल कहाँ से आई, हर्ष मेरे ड्रॉअर में कहाँ से। लुक, आई डोंट नो ये कौन सी बॉटल है, मुझे नहीं पता। तो ठीक है, बोल दो कि चलकर तुम्हारे ड्रॉअर में आ गई। नहीं एक्चुअली तुम्हारे पास तो रामबाण है जानकी जी, क्योंकि हर बात के लिए तुम ब्लेम जानकी जी को करती हो, तो उनको ब्लेम कर दो ना कि उन्होंने तुम्हारे ड्रॉअर में रखी होगी। सिंपल है, सिंपल है, हम सब मान जाएंगे। ये जानकी का ही काम है, ये जानकी का काम है। she wants to break our wedding। जानती है कि हमारी शादी टूट जाए। हर्ष तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है? तुम खुद चाहती हो कि तुम्हारी शादी टूट जाए। हाँ? ये प्रॉब्लम है। हाँ? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, ये कहाँ से लाती हो सोच, कैसे करती हो ये सब तुम? जो इंसान यहाँ पर है नहीं, वो तुम्हारे ड्रॉर में एसिड केमिकल की बॉटल कैसे रखेगा? अरे झूठ बोल रही है तो कम से कम दिमाग लगा के तो झूठ बोलो, ऐसे कैसे झूठ बोल रही है बिना लॉजिक के। तुम्हें क्या लगा श्वेता, ये सब सिर्फ तुम करना जानती हो? तुम बस देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन मुझे पता है जानकी का काम है। जाने के पहले उसने सोचा होगा कि मुझे फंसा के जाए। तुम खुद बोलो, मैं ये अपने हाथ के साथ ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम्हें परेशानी थी कि वो इस घर में रहे, क्योंकि तुम्हें परेशानी थी कि वो मुझसे बात करती हैं, क्योंकि तुम्हें परेशानी थी कि वो मेरे करीब आती हैं, कि तुम्हें परेशानी थी कि इस घर का हर एक मेंबर उनके बारे में कुछ अच्छा ना सोच ले, ये तुम्हारी परेशानी थी। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि तुमने एक बार भी ये नहीं लगा कि उस लड़की ने मेरी जान बचाई है। आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं, सांस ले रहा हूं, अपने परिवार के साथ खड़ा हूं उस लड़की की वजह से। और तुम्हें लगता है कि जानकी जी तुम्हारे खिलाफ कोई गेम प्लान कर रही है? क्या हो गया तुम्हें श्वेता? जो हुआ है ना सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। मेरी बात सुनो हर्ष। मेरे दिमाग से वहम निकल गया, पता क्या, कि जानकी जी ने ये सब किया है। मैं बहुत खुश हूं। हर्ष, हर्ष, बेबी। भाभी मैंने क्या नहीं किया इसके लिए? मैं शादी करने तक के लिए तैयार हो गया। काम? इसके लिए मैंने शक किया जानकी जी पर, इसके लिए मैंने जानकी जी को घर से निकाल दिया। क्या नहीं किया, मेरी क्या गलती है, मेरी गलती क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई गलती नहीं है, श्वेता तुम्हारे लिए जानकी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि तुमने उसको घर से निकालने के लिए अपने हाथ जख्मी कर लिए। और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं ऐसा क्यों करूंगी? यू थिंक आई एम अ फूल? देखो हर्ष, मैं जानती हूँ कि मैं जानकी को पसंद नहीं करती, मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन ये केमिकल की बॉटल मेरी नहीं है। और तुम्हारा प्लान? क्या प्लान हर्ष? प्लान तुम्हारा प्लान था वो? Do not tell me, it was your plan। हर्ष मैं अपने हाथ खुद से क्यों जलाऊंगी, खुद के अपने हाथ, सोचो तुम। ये भी तुम्हारा प्लान था। You broke my heart, you broke my trust। हर्ष हाथ मत लगाना मुझे, और मेरे पीछे भी मत आना। Did you hear me? I just want to be alone. That's all.
तुम्हारी वजह से जानकी भाभी को जेल जाना पड़ा। तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों ने जानकी भाभी को जेल भेजा। उनकी जिंदगी बर्बाद होते होते रह गई। तुम्हारी जलन, तुम्हारी नफरत की वजह से जानकी भाभी को क्या क्या सहन करना पड़ा, यू हैव एनी आइडिया श्वेता? शिखर, नॉट डन। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया श्वेता। प्लीज 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 आप सब मेरी बात मानिए, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे साथ तो यही होना था श्वेता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम्हारा कर्म ही सब कुछ है, और अब मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगी। अब हर मुसीबत का सामना मैं हिम्मत से करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हर्ष और जानकी को कभी भी अलग नहीं होने दूंगी। इन लोगों ने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, पर मैं अब इस घर की किसी भी बहू के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी जान की निर्दोष साबित हो गई। हे भगवान। तारी बचपन से सुन रहा हूँ आपको बोलते हुए कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। आज मैंने देख लिया। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम शिखर। दादी, अब तो हर्ष भी जान चुका है कि जानकी निर्दोष है। आपको क्या लगता है, जानकी घर वापस आ जाएगी? दादी, आप एक बार उससे बात करके देखिए ना। आप बात करेंगे तो आपको ना नहीं कह पाएगी, आप उसे बुला लीजिए ना घर वापस। मैं ठीक कह रही हूँ ना शिखर? भाभी, अब मैं क्या ही बोलूं? अभी हमें तो हमेशा से ही पता था ना जानकी भाभी निर्दोष है। हमने डैड को समझाने की कोशिश भी की थी, पर उन्होंने क्या किया, जानकी भाभी को जेल भेज दिया। अब वो वापस आ भी गई तो डैड कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे उनके साथ? ऑनेस्टली बताऊं वंदना भाभी, मैं चाहता ही नहीं जानकी भाभी वापस घर आए। क्या बोल रहा है तू, इसे क्यों बोल रहा है? माना कि मुश्किल है, मगर इम्पॉसिबल तो नहीं है ना? दादी, दादी मैं जानती हूँ कि आप पापा जी से बहुत नाराज हैं, लेकिन बात करने से तो हर चीज का हल निकल जाता है ना। एक बार उनसे बात करेंगे तो शायद हो सकता है कि वो भी हाँ कर दे। आप आराम से बैठ के पापा जी से बात कीजिए, वो आपकी बात मान जाएंगे। प्लीज। क्या बात करूं वंदना, जानती है ना सब कुछ। चलो माना कि राम जानकी को इस घर में आने देने के लिए मान भी जाए, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो उसको यहाँ चैन से जीने भी देगा? श्वेता हर्ष को काबू में नहीं कर पा रही है राजेश, कहीं इसके चक्कर में हम लोगों के हाथ से ये सब कुछ ना निकल जाए। क्या करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस घर में कौन है जो उस जानकी की मदद कर रहा है, वरना वो केमिकल की बोतल हर्ष के हाथ कैसे लगी? आपका मतलब है कि केमिकल की वजह से जो हंगामा हुआ है ये सब ना? वो सब झूठ है। कुछ तो गड़बड़े राजेश, कुछ तो गड़बड़े। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, जो है उसी को ठीक करना होगा। एक काम करो राजेश, तुम जाके हर्ष से बात करो, समझाओ उसे, देखो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एक बड़े भाई की तरह समझाओ, उसको राजी करो शादी के लिए, लेकिन प्यार से, ताकि वो तुम्हारी बात माने। आप चिंता मत करो, आप शांत हो जाओ, मैं कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज मेरी उम्मीद से कुछ नहीं होता है राजेश। राजेश, हम पहले ही एक आदमी को तुम्हारे लिए मार चुके हैं, और भी मार सकते हैं, लेकिन जो काम प्यार से हो जाए उसके लिए हथियार उठाने की क्या जरूरत है ना? तो जो हम कह रहे हैं वो करो। मैं देखता हूं, रिलैक्स। जानकी,
हमारे पास नौकरानी का काम है, करोगी? Please try and understand, it's very urgent. हम जल्द से जल्द पावर ऑफ अटर्नी हर्ष के नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं। लगातार उसकी जिंदगी में हादसे हो रहे हैं। पहले शादी को लेकर प्रॉब्लम्स थी, उसके बाद किसी ने जान लेने की कोशिश की, पर इतना कम था कि किसी ने उसे किडनैप भी कर लिया। हम जानते हैं हर्ष की जान खतरे में है और हम उसे किसी खतरे में डालना नहीं चाहते हैं। इसीलिए चाहते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी जल्द से जल्द उसके नाम ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, और एक बात है, देखिए ये बात हमारी फैमिली में से किसी को पता लगनी नहीं चाहिए। Nobody means nobody, understand? ठीक है। बहुत हो गया, अब और नहीं, अब मेरा हक मुझे मिलके रहेगा। राम शास्त्री, सारी जायदाद राजेश की होगी, सारी फैक्ट्रीज राजेश की होगी, सारी कंपनीज का मालिक राजेश शास्त्री होगा। राम शास्त्री की पूरी जायदाद का मालिक और वारिस सिर्फ राजेश शास्त्री होगा। हर्ष नहीं। मैंने कुछ सोचे समझे, मैंने इतना बड़ा फैसला ले लिया, बिना जानकी जी को सुने मैंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। हर्ष, राजेश भैया प्लीज मेरे पास बताइए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। बहस करने तो मैं आया भी नहीं हर्ष, मैं तो बस देखने आया था तू कैसा है। हर्ष, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ दिनों से घर में ये सब हंगामा हो रहा है, लेकिन आज जो तूने किया वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुझे ये नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं करना चाहिए था तो फिर किसे करना चाहिए? आप मुझे बताओ ना, फिर किसको करना चाहिए था? मैं नहीं करता तो कौन करता राजेश भैया? मैंने एसिड केमिकल की बोतल उसके ड्रॉर में देखी थी, अपनी आंखों से देख के नजरअंदाज कैसे कर देता मैं? मैंने कोई गलती नहीं की है। हर्ष, श्वेता से तेरी शादी होने वाली है। राजेश भैया अब मुझे उस शादी के बारे में सोचना पड़ेगा, अब वो शादी नहीं होगी। हर्ष, जो भी फैसला ले तू सोच समझ के ले, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत कर। जल्दबाजी में फैसला होगा भी नहीं, अब जो भी फैसला होगा ना वो मैं लूंगा, मेरे लिए, मेरे लिए। अभी तक मैं सबके लिए सोच रहा था, अब मैं अपने लिए सोचूंगा।
हर्ष 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 इधर राजेश भैया मुझे आ जा। एक सेकंड मेरी बात सुनो, मुझे मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे कोई बहस नहीं करनी, प्लीज राजेश मेरी एक बार बात तो सुन ले हर्ष, उसके बाद जो फैसला लेना है लेना। इधर मेरे साथ हर्ष, देख मैं तेरा भाई हूं, तेरे लिए कुछ सुन, मैं तेरी सिचुएशन अच्छे से समझ सकता हूं, हाँ टेक योर टाइम, बस कुछ भी फैसला लेने से पहले एक बार पापा के बारे में जरूर सोच ले। हर्ष पापा बहुत प्यार करते हैं तुझे, उनकी बहुत उम्मीदें हैं तुझसे, और तू जानता है उनकी उनकी एज भी हो रही है, पर तू ऐसा कुछ फैसला लेगा जिससे उन्हें दुख हो तो आई डोंट थिंक ये ठीक रहेगा। सारी सोसाइटी में सबको पता चल चुका है कि तेरी और श्वेता की शादी होने वाली है, हाँ हर्ष तू और श्वेता इतने सालों से एक साथ हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। हर्ष पांच साल उस लड़की ने तेरा इंतजार किया है, वो चाहती तो किसी और से शादी कर सकती थी लेकिन नहीं, उसने तेरा ठीक होने का वेट किया। देख फैसला तेरा ही होगा, बस मैं ये चाहता हूं कि फैसला लेने से पहले एक बार पापा के बारे में, श्वेता के बारे में, अपने परिवार के बारे में जरूर सोच लेना प्लीज। ठीक है ना? तो टेक योर टाइम, सब ज्ञान और इमोशनल डोज तुझे इसलिए दिया है हर्ष, कहीं तू श्वेता से शादी करने से इनकार ना कर दे, तेरा उससे शादी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जानकी जी पर आपसे दूर जाने के नाम पर ही दिल बेचैन हो जाता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पता नहीं आपसे दूर कैसे रह पाऊंगा, पता नहीं फिर कब देख पाऊंगा आपको। बेबी आई कांट लिव विदाउट यू, और मुझे पता है कि तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकते, आई प्रॉमिस शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। प्रॉमिस मी वन थिंग, मेरी बात को ठंडे दिमाग से आराम से सुनोगे, ओके? प्रॉमिस मी। क्या बात? प्रॉमिस मी। आई प्रॉमिस। कम बैठो। पांच साल से मैं कोमा में था और तुम मेरा वेट कर रही थी, मैं सबसे तारीफ करता हूँ तुम्हारी इस बात की, और इसलिए ठीक होने के बाद जो मैं करना चाहता था वो तुमसे शादी करना चाहता था, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था, वो पांच साल जो तुमने इंतजार किए मेरे वो मैं तुम्हें लौटाना चाहता था। बहुत समझदार हो, समझती हो कि इन पांच सालों में बहुत कुछ बदल चुका, सिचुएशंस, टाइम, तुम, मैं। Let's be fair कि इन पांच सालों के अंदर हमारा रिश्ता भी वो नहीं रहा जो होना चाहिए था, इन पांच सालों में हमारा रिश्ता भी बदल गया। I don't say no. तुम क्या कह रहे हो हर्ष? ऐसा कुछ नहीं हुआ,
मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज ऐसा मत बोलो। आई लव यू सो मच हर्षी। इधर तो मेरी बात तो सुनो प्लीज। मैं पूरी बात सुनूंगा। प्लीज हर्ष, प्लीज प्लीज मेरी बात समझो, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस। आई विश सब सही हो जाता। अगर होना होता ना, अब तक सब कुछ सही हो जाता। तुम्हें पता है, जब से हम मिले हर रोज एक नई लड़ाई, हर रोज एक नया ड्रामा, हर रोज एक नई प्रॉब्लम, और मैं थक चुका हूँ। और इसका रीजन क्या है ना, मेरे पास रीजन भी नहीं, और एक सिवाय एक रीजन के, तुमने और मैंने, हमने इस रिश्ते से भरोसा खो दिया। I trust you. No, Harsh, I... Listen to me. जिस रिश्ते से भरोसा चला जाए ना श्वेता, उस रिश्ते को वहीं पर छोड़ देना सही होता। मैं ये बात मानता हूँ कि मेरे एक्सीडेंट के बाद हम अपने रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जा पाए, लेकिन जो तुमने किया वो, उसके बाद जो रही गई थोड़ी सी कसर बाकी थी ना, जो थोड़ी उम्मीद बाकी थी कि शायद हमारा रिलेशनशिप बच जाएगा, हमारा रिश्ता बच जाएगा, वो भी आज खत्म। हर्ष, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों की शादी हो रही है। यही तो हम दोनों को चाहिए था ना हर्ष, 5 साल पहले और अब भी। प्लीज, कभी तुमने मुझे बैठा कर ये पूछा कि हर्ष क्या तुम खुश हो? सच पता है क्या है कि मैं खुश नहीं हूँ। मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ, इस शादी से खुश नहीं हूँ। सच ये है, मैं कैसे खुश की एक्टिंग करूँ? नहीं कर सकता हूँ ना। मैं सब करूंगी तुम्हारे लिए। इन 5 सालों में हम दोनों बदल गए, हम बिल्कुल वो नहीं रहे जो हम 5 साल पहले थे। नहीं बेबी, हम वही हैं। कैसे खुश रखेंगे हम एक दूसरे को? एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है, एक दूसरे की समझ नहीं है, कैसे रखेंगे एक दूसरे को? कुछ चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ कि हर रिश्ते के अंदर सिर्फ खुशी सब कुछ थोड़ी होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इसमें रत्ती भर भी खुशी ना हो, रत्ती भर भी भरोसा ना हो, वो रिश्ता तो वो रिश्ता बोझ बन जाता है। और ये जिंदगी बहुत छोटी है, ये जिंदगी बहुत छोटी है एक ऐसा रिश्ता निभाने के लिए जो बोझ लगे। प्लीज हर्ष, I will change again. We will be the same. हम वापस वैसे हो जाएंगे। तुम trust me, मुझ पर थोड़ा भरोसा रखो please. मुझे तुम पर बहुत भरोसा था, बस। नहीं हर्ष, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो हर्ष, प्लीज ऐसा मत करो। श्वेता, अपने लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए मुश्किल मत करो। अपना ख्याल रखो। कहाँ जा रहे हो तुम? जानकी जी के पास। मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुमको सच बोल रहा हूँ। जानकी जी के पास जा रहा हूँ, जो झूठ तुमने बोला है ना, जिस झूठ की वजह से मुझे अकेले छोड़ गई यार, झूठ की वजह से मेरे परिवार ने जानकी जी के साथ जो सलूक किया है, उसकी माफी मांगने जा रहा हूँ उनसे। और अगर उन्होंने माफ कर दिया मुझे, तो मैं उनको इस घर में वापिस लाऊंगा। जिस मान, जिस सम्मान की वो हकदार है, उनको इस घर में मिलना चाहिए। और मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें सब कुछ बता कर रहा हूँ, ताकि तुम मुझे कभी ये ना कहो कि तुमने मुझे धोखा दिया। हर्ष, नहीं, तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ के जानकी के पास नहीं जा सकते। हर्ष, तुम बार बार उसे दोनों के बीच में क्यों लेकर आते हो? हमारी शादी होने वाली, जानकी का कोई लेना देना नहीं हमसे। बेबी, बैठ के बात करते हैं ना बेबी। अगर बातें करने से सुलझता तो कब का सुलझ गया होता। हर्ष, हमारे रिश्ते की निशानी है हर्ष, तुमने मुझे अंगूठी पहनाई है, हमारी सगाई हुई है हर्ष, ये हमारे प्यार की निशानी है, ऐसा मत करो प्लीज। मैं एक्चुअली भूल गया था, I'm sorry. ये हमारे प्यार की निशानी है ना, और जब निशानी बोझ लगने लग जाए ना, तो उसे निशानी नहीं कहते। ये तुम्हारी, ऐसा मत करो हर्ष। श्वेता, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी गलतियों से सीखोगी, जो तुमने किया है वो दोबारा नहीं करोगे, मेरी बातों को समझोगे। बेबी, ध्यान रखो। बेबी प्लीज, आई होप तुम मेरी बात को समझोगे। बेबी प्लीज, डोंट डू दिस। क्या हो गया? मेरा सारा प्लान फेल हो गया, पैसा, प्रॉपर्टी, बिजनेस, उस केमिकल की बोतल का श्वेता के कमरे में मिलना, इसका मतलब जो भी दुश्मन है ना,
वो इसी घर में है। माँ पापा ने पावर ऑफ अटॉर्नी हर्ष के नाम कर दी है। अब सब कुछ हर्ष का हो जाएगा और हम सिर्फ मुंह ताकते रह जाएंगे। प्लीज कुछ करिए ना। बात करनी पड़ेगी हर्ष से राजेश, उसे समझाना पड़ेगा कि श्वेता से शादी करने में ही हम सबकी भलाई है। गया था उसे समझाने, बात की मैंने उसे, मुझे लगता है शायद वो समझ गया, मान जाएगा। अच्छा किया तुमने। अब देखना कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करके हम उससे अपनी बात मनवाते हैं। अब वो आपकी कोई बात नहीं मानेगा। क्या? हर्ष ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। और तुम मान गई? एक काम दिया था तुमको, एक काम, हर्ष को काबू में करने का, वो भी नहीं कर पाई ना। किसी काम की नहीं हो तुम। बस कीजिए, जो जो आपने बोला मैंने वो सब किया। प्रॉब्लम ये है कि जानकी आपके कंट्रोल में नहीं है, आप खुद कुछ नहीं कर पाए। जानकी ने पूरे प्लान की प्लान बजा के रख दी। देखिए ये अंगूठी है, ये हर्ष ने वापस मुझे की है, रखिए अपने पास, ठीक है? आपका प्लान फेल हुआ है क्योंकि आप जानकी को कंट्रोल नहीं कर पाए। तुमको जो करना था वो तुम नहीं ही कर पाई, है ना? अब जो करना है हम करेंगे। मैंने कोई बात कोशिश की, बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन वो जानकी ने उसको ब्रेन वॉश करके रखा। ये क्या किया आपने? और क्या क्या कर दिया आपने? मारना है कैसे? हट तू, हर्ष, हर्ष, हर्ष जल्दी आ बेटा, हर्ष, हर्ष, क्या हुआ? हर्ष देखो ना, श्वेता हमारे कमरे में आई, उसने अपनी कलाई काट ली। देखो जल्दी, देखो इसको, राजेश जाओ, हमारे कपड़े को, कपड़े को। कुछ करो, इसको बचाओ, इसकी हालत देखो क्या हो गई है। भगवान, वो कह रही थी कि हर्ष ने हमारे साथ सगाई तोड़ दी और इसलिए हम। श्वेता, श्वेता, श्वेता आंखें खोलो, श्वेता। हर्ष कितना प्यार करती है श्वेता तुमसे, और तुमने एक झटके में इसका दिल तोड़ा है। हर्ष उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया और देखो उसका क्या हाल हो गया। अब प्लीज एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ मम्मा, प्लीज मुझे पहले हमारी बात सुनो। हर्ष मुझको कुछ हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ मम्मा। हर्ष डॉक्टर आ रहे हैं। मुंबई जाना जरूरी क्यों है? हमें ऐसे सबको छोड़कर कहीं नहीं जाना है। दी, आपको हमेशा अपनी ही बात मनवानी होती है क्या? पापा ने भी ना कुछ सोचा होगा आपके लिए, और आपके भले के लिए लेकर जा रहे हैं वो आपको यहाँ से। निशा प्लीज, पापा हम ऐसे सबको छोड़ करके नहीं जाना चाहते हैं, और वैसे भी आपके पास सेफ है। देखो जानकी, कान खोल कर सुन लो, हमें यहाँ से बहुत पहले चले जाना चाहिए था। नहीं गए कोई बात नहीं, तुम्हें हम यहाँ नहीं रख सकते। जब तक शास्त्री परिवार तुम्हारे आसपास भी रहेगा ना, तुम्हारी जिंदगी को खतरा है, और तुम्हारी जिंदगी हम दाव पर नहीं लगा सकते। यहाँ से जाने का फैसला हमने लिया है, सोच समझ के लिया है। या तो चुपचाप हमारे साथ चलो, या आज के बाद हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे। पापा भी आप कब समझेंगे दी कि आपकी वजह से ना वैसे इस घर में बहुत कुछ होता रहता है, और जब आपको पापा लेकर जाना चाहते हैं तो आप चली क्यों नहीं जाती हैं यहाँ से? हर्ष हमको एक चीज बताओ, कि श्वेता खुद से ये कर सकती है? मेहंदी में केमिकल मिलाना, अपने हाथ खुद से जलाना, और फिर वो केमिकल की बोतल अपने ही ड्रॉवर में छुपाना। नहीं हर्ष, एक बार सोच के देखो। हे भगवान, श्वेता को घर से बाहर निकालने का जो प्लान बनाया था वो बर्बाद ना हो जाए। अब तो लगता है जानकी को ही वापस मैदान में आना होगा। डॉक्टर साहब बहुत गहरा घाव है, पहले से इसके हाथ जले हुए थे, ऊपर से घाव हो गया। डॉक्टर साहब ये बचेगी ना? इसको कुछ होगा तो नहीं ना? मम्मा डॉक्टर को एक बार चेक करने दीजिए एक बार अब। लेकिन हर्ष तूने क्या किया? क्या किया तूने इसके साथ यार? तेरी वजह से श्वेता के हाल हुआ है, मैंने समझाया था तुझे, फिर भी तू नहीं माना। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब, खून बहुत बह रहा है, वो ठीक तो हो जाएगी ना? ठीक हो जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। हर्ष देख रहे हो,
क्या हाल हो गया इसका? हे भगवान, तुम आओ हमारे साथ। हर्ष, हमको प्रॉमिस करो कि तुम इसका दिल नहीं तोड़ोगे। प्यार करती है तुमसे हर्ष, इसके प्यार की कदर करना सीखो, वरना बाहर वाले हम पर उंगलियां उठाएंगे कि कैसे संस्कार दिए हमने, कैसी परवरिश दी है एक माँ होकर। प्रॉमिस करो हमको हर्ष। हे भगवान, हर शादी के लिए मना कर दे। पापा, अब दीदी की बात का बुरा मत मानिए। आप तो जानते हैं ना कि दीदी कितनी जिद्दी हैं। हमने दीदी को समझाया कि पापा आपसे बड़े हैं, आपको उनकी बात माननी चाहिए, पर पता नहीं उनके दिमाग में चल क्या रहा है। हम समझते हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बाप है उसके, सब समझते हैं। यूं मान लो, ना तो हमें नौकरी से कोई मतलब है, ना किसी और बात से। हमें फिक्र सिर्फ जानकी की है। जब तक हर्ष जी और उनका परिवार जानकी के आसपास रहेगा ना, जानकी की जिंदगी पे खतरा बना रहेगा। कभी कभी बच्चों की खुशी के लिए, उनकी भलाई के लिए माँ बाप को कड़े फैसले लेने पड़ते। आज हमने वो कड़ा फैसला लिया है। दादी, दादी, वो श्वेता ने फिर से एक खेल खेल दिया। उसने अपनी कलाई काट ली, और मैं जानती हूँ कि वो सब जानबूझ के कर रही है ताकि हर्ष की सिंपति पा सके। ये भगवान। दादी, उससे बड़ी बात ये है कि मम्मी जी हर्ष को शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वो मान जाएगा। अब आप ही बताइए, अगर जानकी इस घर में वापस नहीं आएगी तो हम ये शादी कैसे रुकवाएंगे? लेकिन इन हालात में जानकी यहाँ वापस क्यों आएगी, और हम कैसे उसे वापस ला पाएंगे? दादी, कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैंने ये क्या, आप उस जानकी को फिर से इस घर में बुलाना चाहती है? नहीं माँ, इस बार आपकी बात नहीं मानेंगे हम। जानकी इस घर में नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। भाजी, प्लीज। इस केस के बारे में हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। देखिए, आप लोग बुरा मत मानिए, लेकिन हर काम का एक प्रोटोकॉल होता है। जी डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। मुझे कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करनी। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी इस हरकत के वजह से इस घर पर या पापा जी की इज्जत पे कोई भी कीचड़ उछले। थैंक यू श्वेता। आप हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, सालों से इस घर में आ रहे हैं। हम चाहते हैं इस मामले को आप यहीं समाप्त कर दें। ठीक है मिस्टर शास्त्री, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। आइए। किसी चीज की जरूरत है? I'll be fine. मैं पिलो ठीक कर देता हूँ। दवाई मैंने ड्रॉअर में रख दी, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। मैंने मेरी वजह से श्वेता ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, अगर कुछ हो जाता तो मेरे साथ ही क्यों होता है? सब ठीक हो जाएगा हर्ष, प्लीज अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। तो क्या करूं फिर मैं? अब मुझे बताओ क्या करूं? मेरी वजह से श्वेता की ये हालत, उसने अपना हाथ काट लिया, वो मरते मरते बची है भाभी। आप just listen to me.
एक बार अपनी आंखें बंद करके देखो और तुम्हारे दिल में क्या है उसे जानने की कोशिश करो। ऐसे नहीं होगा। प्लीज 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 हर्ष। अपने दिल की बात जानने की कोशिश करो हर्ष। सही और गलत का फैसला खुद ब खुद हो जाएगा। मुझे नहीं बोला माफी, मुझे नहीं बोला। श्वेता की ये हालत हुई आपकी। Enough, 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 हर्ष। श्वेता 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 बस करो, संभालो अपने आप को, अपने बारे में नहीं सोचो। देखो हर्ष, ऑनेस्टली ये जो कुछ भी हुआ उससे मैं कन्विंस नहीं हुई हूँ। अगर श्वेता की जिंदगी में कोई कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो इस तरह उसे हैंडल करती है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। खुद को चोट पहुंचाना, खुद को दर्द देना ये आसान बात नहीं है। बाकी बाकी तो तुम श्वेता को मुझसे बेहतर जानते हो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ट्रस्ट मी, कोई गलती नहीं है। इट्स ओके। हर्ष बेटे आओ, तुम नीचे आओ। पापा जी बुला रहे हैं। क्या यही हमारी परवरिश है हर्ष? अरे तेरी नादानियों की वजह से अगर श्वेता की जान चली जाती तो क्या करते हम? ये शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हें जो करना है अभी डिसाइड करना होगा। वैसे हम समझ नहीं पा रहे तुम श्वेता के साथ इस तरह का धोखा कैसे कर सकते हो। हम सभी कभी ना कभी हर किसी को धोखा देते रहे हैं ना, तो फिर हर्ष क्या गलत कर रहा है? हर्ष बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तुम्हारी गलती सुधारने का कोई मौका है तो यही है, सब कुछ भूलकर श्वेता से शादी कर लेनी चाहिए। मम्मी जी, हर्ष पर श्वेता के लिए इतना प्रेशर क्यों डाल रही हैं? वो तो हमेशा हर्ष के पत्नी के रूप में जानकी की तारीफ किया करती थी, फिर अचानक से क्या हो गया? भगवान भी नहीं चाहते कि हम मासी से बात करें। घर छोड़कर मुंबई जा रहे, बस जाने से पहले एक बार आपको बाय बोलना चाहते थे। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।